नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ सत्र शुरू होगा। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार, कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगा। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गर्माने की पूरी संभावना। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर ये प्रस्ताव रखेंगे। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने रणनीति बनाई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन में किसानों की आवाज उठाएंगे। कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, 75% आरक्षण युवाओं से धोखा। हुड्डा ने 75% आरक्षण को प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा जुमला बताया। कहा कि बिजली कंपनी में कितने लोग हरियाणा के हैं, कर्ज पर सरकार सच नहीं बोल रही। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, इसके साथ मेयर और पार्षद भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर मंथन हुआ। निगम की राजनीति सुजड़ी, बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धि हासिल की। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में करनाल ने देशभर में 4th रैंक हासिल किया। आवासीय एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके आधिकारिक घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगम आयुक्त को शुभकामनाएं दी। उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने, उनके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए नगर निगम प्रयासरत रहेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी के लिए उनका आभार जताया। मुलाकात के दौरान दुष्यंत के साथ जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक जोगी राम सिहाग मौजूद रहे। दुष्यंत ने कहा, प्रदेश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। दुष्यंत चौटाला ने आभार जताते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी राज्यपाल का आभार जताएंगे। कहा कि प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर साफ स्टैंड है। सरकारी नौकरियों में इस तरह का आरक्षण संविधान के मुताबिक संभव नहीं है। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री डीजीपी विवाद पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं, इस मामले में गृहमंत्री ही लोगों के सामने स्थिति साफ कर सकते हैं। उद्योग जगत ने हरियाणा सरकार की ओर से 75% आरक्षण बिल का स्वागत किया। उद्योगपतियों ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए इस बिल से सरकार ने हरियाणा के उद्योग के लिए अच्छा सोचा होगा। सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह। इसी के चलते गांव जकोपुर में ग्रामीणों ने जेजेपी के जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर का जोरदार स्वागत कर धन्यवाद किया। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ मारपीट मामले में जेल में बंद शिव कुमार को बेल मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए। शिव कुमार ने कहा, जेल में उनके साथ मारपीट नहीं की गई, लेकिन कुंडी थाना पुलिस पर उन्होंने मारपीट के आरोप लगाए। शुक्मा ने कहा, बगैर चश्मे में नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी 1 महीने तक उनको चश्मा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जानकारी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। न्यूनतम वेतन मांग को लेकर संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अनुबंधित टीचर्स को अब सर्व कर्मचारी संघ का साथ। इसके बाद टीचर्स ने आंदोलन तेज किया। कर्मचारी संघ नेता ने कहा कि आंदोलन की आज पूरे प्रदेश में फैल गई है। अब यह सिर्फ कुरुक्षेत्र के अनुबंधित टीचर्स का आंदोलन नहीं है। यूनिवर्सिटी के कुलपति की दमनकारी नीतियों से आंदोलन दब नहीं सकता। गुरुग्राम में खिड़की दौला के टोल के खिलाफ लोगों का अनोखा विरोध। लोगों ने टोल प्लाजा हटाने को लेकर ट्विटर के जरिए विरोध जताया। लोग ट्वीट पर फनी मीम के जरिए विरोध जता रहे हैं। लोगों की लंबे समय से टोल प्लाजा हटाने की मांग है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे। कांग्रेस ने अन्नदाता के संघर्ष को किया नमन। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कृषि कानून के समर्थन में प्रदेश के 51 गांव के प्रमुखों ने अपने अपने गांव से 100-100 किसानों के लिखित समर्थन की कॉपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को सौंपी। टोहाना में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते हुए दामों और कृषि कानूनों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और किसानों की बात मानते हुए कृषि कानून को रद्द किया जाए। सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे ताकि वो अपने घर लौट सके।
इनेलो की जिला स्तरीय मीटिंग राजभवन में आयोजित की गई, जहां किसान आंदोलन में समर्थन देने और पार्टी मजबूत करने पर मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। मीटिंग की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, ताकि पार्टी कार्यकारिणी की और मजबूती के लिए काम किया जाएगा, लोगों से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। टीकरी बॉर्डर में कुछ दिनों से किसानों की भीड़ कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। आए दिन किसानों की तादाद बढ़ रही, किसान नेताओं ने यहां किसानों के बैठने के लिए गद्दों का इंतजाम करना शुरू किया। कृषि कानून के समर्थन में पत्र देने पंचकुला पहुंचे किसानों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ये कृषि कानून किसानों के हित में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 30 के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का वैक्सीन लगवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत तमाम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। मेयर ने कहा वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बिट्टू चावला की तबियत बिगड़ गई। खबर मिलने के बाद बिट्टू चावला से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बिट्टू चावला की पत्नी अमीषा चावला से मिलकर बिट्टू चावला का हाल चाल जाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भिवानी में मनाए जा रहे वेमन वीक के दौरान महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला की गई। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी। नूह से समाज सेवी मोहम्मदी मेवाती ने कार्यक्रम में शिरकत की। कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को नई दिशा मिली, महिलाएं अपना रोजगार चलाकर सशक्त बन रही। बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए करनाल के गांव बाहरी को वेस्ट विलेज का अवार्ड चुना गया है। गांव में 1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियों का जन्म हुआ, जो जिले में सर्वाधिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली 3 बेटियों को डीसी ने सम्मानित किया। चरखी दादी के वाल्मीकि नगर में अंबेडकर द्वार की नींव रखी गई। इस द्वार के लोग पिछले 30 साल से मांग कर रहे थे, नगर परिषद द्वार का निर्माण करवा रहा है। नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जब भी ग्रांट आएगी इस भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। रादौर में बढ़ रहे नशे को लेकर सामाजिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन ने जागरूकता रैली निकाली। एसडीएम और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पहले हुए कार्यक्रम में बच्चों और लोगों के नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एसडीएम ने कहा कि नशे से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में 5 दिवसीय केचुआ पालन प्रशिक्षण शिविर। शिविर में 30 अनुसूचित जाति के युवक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बच्चों के प्रति बढ़ते यौन शोषण के मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर 25 फरवरी से पंचकुला में हिफाजत अभियान की वीडियो वैन को डीजीपी ने रवाना किया। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदरे और रेवाड़ी पुलिस की मौजूदगी में हिफाजत कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। यमुनानगर के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में हजारों बुजुर्ग अपनी पेंशन को लेकर मेडिकल करवाने पहुंचे। इतनी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए विभाग के अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। विभाग ने कुछ दिन पहले ही अपने नोटिस बोर्ड पर संदेश लिखा था कि जो भी वृद्ध नई पेंशन लगवाना चाहते हैं वो महीने के पहले बृहस्पतिवार को कार्यालय आकर मेडिकल कराएं। अलग अलग गांव से हजारों वृद्ध विभाग के कार्यालय पहुंचे। फरीदाबाद नगर निगम में 50 करोड़ का घोटाला विजिलेंस के पास पहुंचा। मामले की जांच शुरू। घोटाला उजागर होने के बाद कई ठेकेदार अधिकारियों की लपेटे में आने की आशंका। पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स यूनियन कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया, नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, फिर भी न तो वेतन आया और न ही सेंटर्स का किराया रहा है। जल्द समस्या दूर नहीं हुई तो वह धरना देंगे। जिला भर से आई आशा वर्कर कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। बोली कि बिना ट्रेनिंग बिना एंड्रॉयड फोन के ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है, इसकी वजह से कई महीनों का वेतन बकाया है। पानीपत के सिविल अस्पताल में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध किया। सीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा। आरोप है कि एक आशा वर्कर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई थी, मामले में सहायता राशि नहीं दी।
बढ़ते पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों के विरोध में अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने घोड़ा गाड़ी पर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। मार्च में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी शामिल। कालावली में अंकुर प्रजापति के हत्यारों का 1.5 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर रोष जताते हुए शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर गिरफ्तारी की मांग। वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर पर हुई डकैती के बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए जा रहे 20 वर्षीय अंकुर प्रजापति की हथियारबंद लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बोला चुका में इंडिया न्यूज की खबर का असर। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया। बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काटा गया था। पिछले 3 दिन से बच्चे पीने के पानी, शौचालय और अंधेरे में पढ़ने को मजबूर। बल्लभगढ़ बस अड्डे के नजदीक नेशनल हाईवे पर लोगों को हर रोज जाम की दिक्कत होती है। ऑटो चालकों और रेहड़ी वालों की वजह से रोजाना यहां जाम लगता। मौके पर पुलिस होने के बावजूद भी ऑटो चालक बाज नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। लोगों की माने तो सड़क पर ऑटो चालक जहां मर्जी वहां ऑटो खड़ी कर देते हैं, इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। जनता सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसे लेकर पलवल जिले के थानों का रियलिटी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनमें से कैमरे खराब थे। एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 4 महीने से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स को वेतन नहीं मिला। जिला प्रोग्राम अधिकारी अनिता शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए आईसीसी वैन को हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश ने बताया आगामी 1 पखवाड़े तक कार्ड निःशुल्क बनेंगे। हरियाणा के सबसे पिछड़े मेवात जिले में भीख मांगने वाली महिलाओं के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। भीख मांगने वाले लोगों की संख्या से न केवल आमजन परेशान है, बल्कि चेतनालय संस्था की संचालक एनी सिस्टम भी चिंतित है। अंबाला सेंट्रल जेल की 4 दीवारी में फिल्मी तराने गूंजेंगे। अब अंबाला की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया, जिसमें जेल के बंदी ही रेडियो जॉकी होंगे और जेल के बंदियों की फरमाइश पर गीत बजाए जाएंगे। नगर पालिका जाखल के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी के सर्वे में काफी प्रॉपर्टियों में खामियां मिली, जिसके बाद प्रॉपर्टी मालिक खामियां ठीक कराने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। नगर पालिका की ओर से इन गलतियों को ठीक करने के लिए 4 मार्च का वक्त दिया गया, जिसके चलते लोग नगर पालिका के चक्कर लगाने को मजबूर। बल्लभगढ़ के गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए गुरुगाम के नाम पर बन रहा पुल लोगों के लिए जी का जंजाल बना। पुल से लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे, लेकिन अब पुल जर्जर हालत में। नया पुल 4 फुट का ही बनेगा, जिससे लोगों को अपनी खेती करने और पशुओं को रखने में परेशानी होगी। इतना ही नहीं, शमशान घाट भी नहर की दूसरी तरफ है, लेकिन 4 फुट का रास्ता छोड़ने के उनका काम इससे नहीं हो पाएगा। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के 2 अलग अलग मेडिकल स्टोर से बाल मजदूरी करते 2 बच्चों को रिहा कराया गया। कार्रवाई करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की माने तो उन्हें सूचना मिली थी, इसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ स्थानीय पुलिस को लेकर रेस्क्यू किया गया। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी के पास महिला ने हंगामा शुरू किया। आरोप लगाया कि उसके पास बैठे शख्स ने छेड़खानी की है। महिला का आरोप है कि शख्स को पुलिस के हवाले करने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं की पुलिस ने। जींद के एक शख्स से विदेशी महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 35 लाख रुपए ठग लिए। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही। बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। गनीमत रहते कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलने से बचाया। सिरसा पुलिस ने पिछले काफी समय से नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा, जिसके तहत पिछले 5 महीनों में नशा तस्करी की संख्या पहले से कम हुई। नशा तस्करों पर काबू पाने के लिए 3 CIA टीम, 1 स्पेशल एंटी नारकोटिक सेल बनाया गया। सोनीपत के गांव नांगल कला में जिम के अंदर 3 युवकों को गोली मारने के मामले में जिम संचालक गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी गुरदत्त को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की भी बड़ी लापरवाही। जिम संचालक गुरदत्त ने पहले इन 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद आरोपी ने 3 को गोली मार दी। कैथल में नहर के पास जला शव मिला। डेड बॉडी को पराली में डालकर जलाने की कोशिश, हत्या कर शव को खुद बुर्द करने की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। गोहाना के मुगलपुरा रोड पर बंदूक के दम पर लुटेरों ने 1,27,000 की लूट की। बदमाशों ने ग्राहक केंद्र संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। टोहाना में नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने CIA स्टाफ पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मी से मारपीट की और काबू किए गए 2 लोगों में से 1 को छुड़ा।
मारपीट से 3 पुलिसकर्मी घायल। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया जिससे 900 नशे की गोलियां बरामद की गई। मामले को लेकर 20 लोगों पर केस दर्ज। पानीपत के गांव बपौली और रसालपुर के बीच बाइक की खंभे में टक्कर लगने के कारण खंभे से करंट लाने से युवक झुलसा, युवक की मौके पर मौत। मृतक भलोर गांव का रहने वाला था जो शादी विवाह में वेटर का काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक से उछलकर खंभे से जा टकराया। जजनर में दुकानदार पर हमला करने आए युवक पर दुकानदार ने गोलियां चलाई। दुकान में घुसकर युवक ने दुकानदार पर देसी कट्टा ताना था जिसके जवाब में दुकानदार ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से फायरिंग की। दुकानदार ने अपने बचाव में एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां दागी। मुंह ढका होने के कारण दुकानदार हमलावर की पहचान नहीं कर पाया। हमलावरों की संख्या 1 से ज्यादा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर मेन मार्केट के पास डिसबैलेंस कार दुकान का गेट तोड़कर जा घुसी। कार की स्पीड ज्यादा होने के चलते कार ने पहले रेहड़ी को टक्कर मारी फिर दुकान पर टक्कर मारी। हादसे में रेहड़ी चालक बाल बाल बचा। दुकान का गेट बंद होने के चलते जानमाल का नुकसान नहीं। वारदात कैमरे में कैद। जजर में शादी के बाद दुल्हन लेकर वापस लौट रही बाराती की गाड़ी डंपर से टकराई। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत आधा दर्जन लोग चोटिल। 3 की हालत नाजुक। सोनीपत के गांव नांगल कला में टीडीआई फ्लैट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला झगड़े के बाद अपने भाई के फ्लैट पर आई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला को 3 गोली मारी गई है जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। गोहाना में दिन दहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या। दोनों युवक दोस्त थे जिन्हें बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। मौके से आधा दर्जन के करीब गोलियां के खोल बरामद। मामले को ठेकेदार के हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। वारदात के दौरान हमलावरों को भी छर्रे लगे हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। सोनीपत के गांव बोर्ड में बलंबा निवासी प्यारेलाल, उसके पोते की किसी बदमाशों से लड़ाई हो गई जिसके बाद बदमाशों ने दोनों को बुरी तरह पीटा। प्यारेलाल के पोते की मौत हो गई। प्यारेलाल अपने पोते श्यामलाल के साथ खेतों की रखवाली करने का काम करता था। पोतों के साथ पास में ही पानी पीने गया था जिस दौरान कुछ शराबियों से बहस हुई। इसके बाद मारपीट शुरू हुई। चरखीदारी में मास्क को लेकर सरकार पुलिस के माध्यम से आम लोगों की चालान कटवा रही, लेकिन सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही दफ्तर में घूमते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पुरस्कार मिलेगा। प्रधानमंत्री कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू की। गांव में आतंकी छिपे हैं, वहां सुरक्षा बलों ने एंट्री एग्जिट गेट बंद कर डोर टू डोर तलाशी ली। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के कलंतरा क्रीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू की। 29 RR एसओजी सीआरपीएफ ने आतंकवादियों के इनपुट के बाद कलंतरा क्रीरी गांव को घेरा। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदेश की सभी 294 सीटों के लिए आज अपने पत्ते खोलेंगे। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। टीएमसी नेताओं का दावा है सभी उम्मीदवारों के नाम तय, सिर्फ औपचारिक का ऐलान बाकी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम एक दिन में ही कर। बीजेपी भी उम्मीदवारों के लिए जल्द जारी कर सकती है। असम पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। आधी रात से फैसला लागू। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के मकसद से कदम।